यदि आपने महिलाओं और बालिकाओं से छेड़छाड़ की तो आप अब सरकारी नौकरी के लायक नहीं रहेंगे। ये मजाक नहीं है, ये वो सच है जो राजस्थान में जल्द ही दिख सकता है। राजस्थान सरकार मनचलों को भर्ती परीक्षाओं में रोकने और सरकारी नौकरी के लिए पात्रता के नियमों में बदलाव कर ये बड़ा फैसला ले सकती है, जिससे छेड़खानी करने वालों को सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। स्वागत है आपका द नगरी न्यूज में, मैं हूं गरिमा गौर। राजस्थान की गहलोत सरकार पिछले कुछ समय से प्रदेश के मनचलों के खिलाफ काफी सख्त नजर आ रही है। पिछले दिनों मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शहरी और ग्रामीण ओलंपिक खेलों के उद्घाटन के मौके पर कहा था कि हम मनचलों का परमानेंट इलाज करेंगे, इनके नाम आरपीएससी कर्मचारी चयन बोर्ड को भेजे जाएंगे ताकि इन्हें सरकारी नौकरी से वंचित किया जा सके। साथ ही उन्होंने ऐसे अपराधियों और मनचलों पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए थे। अब मुख्यमंत्री ने ट्वीट कर कहा है कि थानों में मनचलों का हिस्ट्री शीटों की तरह रिकॉर्ड रखा जाएगा और इस बारे में चरित्र प्रमाण पत्र में भी उल्लेख किया जाएगा। राज्य सरकार ने महिला सुरक्षा को लेकर उठ रहे मुद्दों को देखते हुए यह निर्णय ले रही है, लेकिन यह निर्णय लेना अभी आसान नहीं है क्योंकि अभी मुख्यमंत्री ने मौखिक आदेश दिए हैं, जबकि इसके लिए मनचलों को भर्ती परीक्षाओं में रोकने और सरकारी नौकरी के लिए पात्रता के नियमों में बदलाव करना पड़ेगा, तभी ये लागू हो पाएगा। साथ ही इसके लिए पुलिस थानों में दर्ज रिकॉर्ड के आधार पर चरित्र प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा। वहीं इस नियम के लिए यह चुनौती भी रहेगी कि केवल FIR के आधार पर नौकरी से वंचित कर दिया तो कोर्ट से ऐसे मामलों में आसानी से राहत मिलने की संभावना रहेगी। देश प्रदेश की खबरें जानने के लिए बने रहे हमारे साथ, अब मिलेंगे अगली खबर के साथ। नमस्कार।